हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे एकेडमिक के अलावा साइंस का तो ले ही रही हूँ, टेंथ का स्पेशली बहुत ज़्यादा क्लास लेती हूँ मैं। उसके अलावा मैं गूगल फॉर्म, जॉब वैकेंसी, CBSE, NCERT, CBSE एकेडमिक के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उन सबको लेके आते रहती हूँ, ताकि मैक्सिमम लोगों तक कम टाइम में इंफॉर्मेशन जाए। तो आज ये मेरा वीडियो गूगल फॉर्म के बारे में है कि गूगल फॉर्म को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओनर जो क्रिएटर्स होते हैं वो कैसे उस पर कंट्रोल रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एज अ टीचर व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर फॉर आवर स्टूडेंट्स, तो हम उनको हाफ एन आवर का टाइम देते हैं कि हाफ एन आवर के बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा है कि बच्चे उसके बाद भी सबमिट करते जाते हैं और हम गूगल फॉर्म को इकट्ठा करते जाते हैं अपने गूगल ड्राइव में। तो आखिर कैसे हमने जो टाइम लिमिट दिया है उसी के बीच में बच्चे जो हैं सबमिट कर सकें, तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। और एक चीज़ और, इसमें अगर हम स्टार्टिंग में वो सेटिंग कर देंगे तो एक बच्चा भी सबमिट नहीं कर पाएगा, तो हमें वो सेटिंग टेस्ट के बाद करना है, जब जो हमने टाइम अलॉट किया है उसके बाद करना है। तो आज हम वही सीखेंगे और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। और आपको पता है कि मेरे चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब रिलेटेड वीडियोस आते हैं, तो आप अगर आप देखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम गूगल फॉर्म, मैं अपना गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन करती हूँ। दिस वन इज़ माई गूगल फॉर्म। अब मैं 10th का असाइनमेंट 1 ओपन करती हूँ। मैंने ये ओपन किया, देखिए ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा शीट है, ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्सेज दिखा रहा है कि 16 रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसमें मैं कैसे रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करूं? तो हम रिस्पॉन्सेज पे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहले ये था सेटिंग एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, मतलब रिस्पॉन्स हम बच्चों से ले सकते हैं। तो ये हमें थोड़ी देर के लिए ओपन रखना पड़ेगा। अगर हम ओपन नहीं रखेंगे तो बच्चे जो है अपनी शीट सेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम टेस्ट के पर्पज़ से ले रहे हैं तो जो हमने टेस्ट का ड्यूरेशन दिया है, सपोज़ हाफ एन आवर या 45 मिनट, तो वी हैव टू चेंज दिस सेटिंग आफ्टर 45 मिनट्स और हाफ एन आवर। तो ये मैं करके दिखाती हूँ कि अभी ये रिस्पॉन्स मैं ले रही हूँ, ओपन है तो कोई भी भेज सकता है। लेकिन जैसे मैंने ये नॉट एक्सेप्टिंग, अब ये मान लीजिए आधे घंटे हो गए, तो इसके बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब ये रिस्पॉन्स नहीं लेगा। तो मैं आपको एक शीट करके दिखाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो हम बैक जाते हैं। ये मान लीजिए हमारी ये गूगल शीट है, ये हमारी गूगल शीट खुल गई, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसको शीट को करना है, तो जब मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए और मैं इसको लास्ट में सबमिट करना चाहूँ, अगर मैं इसको लास्ट में सबमिट करना चाहूँ तो सबमिशन का ऑप्शन आएगा। जब मैं, चूँकि मैं ओनर हूँ तो मैंने वहाँ से लॉक कर रखा है, अब मैं सबमिट करूँगी तो ये सबमिट नहीं होगा। आप ये चाहें तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं किसी की शीट को, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ओनर ने उसको कंट्रोल कर रखा है, अब वो सबमिट नहीं लेगा। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने इसको सारे शीट को करने के बाद सबमिट किया तो मेरे पास क्या लिख के आया। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या ओपन हो के आ रहा है। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट उसका ले रखा है। जब मैंने इसको भेजा तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास लिख के आ रहा है द फॉर्म क्लास 10 चैप्टर, सब कुछ सेम है। चूँकि मैंने वहाँ पे सबमिट करने के तब किया जब ओनर ने उसको ऑफ कर रखा था। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है शीट इज़ नॉट लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ट्राई कॉन्टैक्टिंग द ओनर, ठीक है। मतलब ओनर ने लॉक कर दिया, अब ये कोई भी चाहे तो इसके बाद ये नहीं ओपन कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि आप इस चीज़ को लॉक रख सकते हैं। तो ये तो मेरी पहली सेटिंग हुई जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओनर कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो ये मेरा वीडियो इस पर था। अब मैं फिर से चलती हूँ, अब मैं फिर अपने शीट पर चलूँ। ओपन हो रहा है ये धीरे धीरे। अब मैं इसके सेटिंग पे जाऊंगी। ठीक है,
सेटिंग का मैंने दूसरा क्या बताया था कि लिमिट वन रिस्पांस वाला भी बताऊंगी। ये तो आपका हो गया कैसे कंट्रोल किया, पहला कंट्रोल आपने कैसे गूगल शीट लेने से मना कर दिया। अब दूसरा हमारा है लिमिट टू वन रिस्पांस। लिमिट टू वन रिस्पांस में क्या है कि बच्चों को जो है स्टूडेंट को साइन इन गूगल पे करना पड़ेगा। जब वो गूगल पे साइन इन करेंगे तो एक बच्चा एक ही बार पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कंपल्सन हो जाता है कि आपको साइन इन करके ही आना है। लेकिन चूंकि हम अगर इसको इस कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, स्प्रेड करने के लिए बना रहे हैं, तो हम वन रिस्पांस को ऑफ रखते हैं। क्योंकि कई बच्चे हैं, अगर टेंथ के बच्चे हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ओपन रखती हूँ ताकि वो जितनी बार चाहें उतनी बार उसको प्रैक्टिस कर सकें। बट एग्जामिनेशन के पर्पज़ से जब आप ले रही हैं शीट दे रही हैं, मतलब अगर आपको इंटरनल एग्जामिनेशन लेना है, तो उस केस में अगर आपको ये ऑप्शन जो है ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ऑन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बच्चे जो हैं आपके क्या करेंगे, वो कई बार शीट भर देंगे। और जितनी बार बच्चे शीट भरेंगे उनका रिकॉर्ड वो आपके पास आते जाता है। लेकिन बच्चे कई बार रिस्पांस देने लगते हैं, ये मैंने खुद पर्सनली देखा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप टेस्ट ले रही हैं तो देन ये लिमिट टू वन रिस्पांस जो है इसको ऑन कर दीजिए। लेकिन अगर टेस्ट नहीं ले रही हैं, आपने कम्युनिटी के लिए बनाया है, तो लेट देम डू, 10 बार करें 15 बार करें, उनको आप करने दीजिए जैसे करना चाहें, क्योंकि ये प्रैक्टिस उनकी होगी। तो मैं इसको जनरली जब बच्चों का टेस्ट लेती हूँ तो ये मैं ऑन करती हूँ, लेकिन जब कम्युनिटी में स्प्रेड करती हूँ तो फिर मैं उसको इसको ऑफ कर देती हूँ। तो दो चीज़ें हमने देखा यहाँ पे गूगल फॉर्म में कि कैसे हम सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप भी देखिए और स्प्रेड कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है देन यू कैन विजिट टू माई YouTube चैनल और उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।